हेलो दोस्तों, आपका फिर से मैं स्वागत करता हूँ अपने चैनल में व्लॉग्स चित्रांश। आप जानते ही हैं, और जो नहीं जानते इस चैनल के बारे में तो आप जान जाइएगा। आज का वीडियो देखेंगे, आज मैं आपको जोंडियर का भरपूर कलेक्शन दिखाने वाला हूँ, और साथ ही महिंद्रा सोनालिका हो गया, ऐसे कई ट्रैक्टर्स हैं इंडोफार्म जो आप ज़्यादातर देखे नहीं होंगे। यहाँ मैं इंडोफार्म का नए में दिखाऊँगा, और आज का जो प्राइस होने वाला है दोस्तों वो है नांगर, और साथ में RTO के साथ रहेगा जो प्राइस। और यहाँ का ट्रैक्टर्स लेके जाओगे तो कभी शिकायत का मौका नहीं, क्योंकि यहाँ मैं हमेशा वीडियो शूट करने आता हूँ, और किसान भाइयों को यहाँ बेनिफिट इसलिए होता है क्योंकि यहाँ का जो ट्रैक्टर्स है जो लेते हैं, भले प्राइस हाई लगेगा लेकिन जो ट्रैक्टर्स की कंडीशंस होती है वो लाजवाब, कहीं शिकायत का मौका नहीं मिलता यहाँ। इसलिए आज मैं खुद डिटेल्स बताने वाला हूँ RTO नागर के साथ प्राइस है, तो आप ये मत सोचना कि प्राइस ओवर है, इसलिए मैं आपको बताने वाला हूँ। तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे भाई, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना, साथ ही आप मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो कीजिए, मेरा आईडी नंबर है चित्रांश12345। स्टार्ट करते हैं, और फेसबुक में भी जाइए, वहाँ ब्लॉग चित्रांश सर्च कीजिए। अभी थोड़ा वीडियो कम डला हुआ है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा उसमें आप रिस्पॉन्स करेंगे तो मैं वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो डालने का कोशिश करूँगा। स्टार्ट करते हैं, चलिए दोस्तों सबसे पहले मैं स्टार्टिंग यहाँ से दिखाने वाला हूँ। ये है आपको जोंडियर का 5045D करके आता है। ये आपको जोंडियर का सबसे लुक की बात करें तो इसमें आपको बैटरी का जो चोरी होने का संभावना नहीं रहता, ये आपको सामने इसका बैटरी दिया जाता है, और अभी सोलिस में भी ऐसे ही आ रहा है सेम। तो इसका हम डिटेल्स की बात करें तो ये आपको प्लस प्लस करके है, ये वैल्यू प्लस ट्रिपल प्लस करके रहता है। ये आपको 2018 का मॉडल है, 45 HP के साथ आता है, और इसके रनिंग की मैं बात करूँ कितना घंटा चला हुआ है तो ये आपको ओनली 800 घंटे चले हुए हैं। और ये आपको टायर्स की कंडीशंस आपको देखना नहीं पड़ेगा, टायर्स की कंडीशंस ओके है से। और इसका मैं आपको नागर और RTO के साथ जो प्राइस बताने वाला हूँ, ये आपको 5,25,000 में 45 HP है, लोकल पासिंग में मिलेगा, और इसका कंडीशन जो मैं बताऊँ आपको, हुड वगैरह पूरा कंप्लीट करके दिया जाएगा। तो यहाँ आपको जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में ही बताया कि यहाँ का जो प्राइस थोड़ा आपको हाई जरूर लगेगा, लेकिन यहाँ का जो कंडीशंस रहता है वो आपको ऐसा कंडीशन कहीं देखने को नहीं मिलेगा। तो चलो ये वाले ट्रैक्टर देख ले, अभी और भी जोंडियर है तो लास्ट तक देखना, और भी धमाका करने वाला हूँ दोस्तों। अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ, ये है महिंद्रा का 4075 DI। ये आपको बहुत ज़्यादा डिमांडेबल है ट्रैक्टर्स में, इसके टायर्स की कंडीशन देखिए तो आपको देखना ही नहीं पड़ेगा यहाँ का। और ये आपको 42 HP में मिलेगा, 2018 का मॉडल है। रनिंग की बात करें ये कितना घंटा चला हुआ है तो ये आपको 1200 से 1300 घंटा कुछ चला हुआ है समथिंग। और बाकी लुक कलर वाइज जैसे DLX मॉडल है ये आपको 415 DI। और ये आपको नागर RTO के साथ जो प्राइस मैं बताने वाला हूँ, ये आपको 400,000 में मिलेगा। लोकल दुर्ग का ही पासिंग है कहीं, और इसका कंडीशन बीच बीच में भी आपको मैं दिखाऊँगा वीडियो के ज़रिए। लेकिन इस आपको मैंने जैसे बताया कि आपको अलग से देखना नहीं पड़ेगा यहाँ का। चलो तो नेक्स्ट ट्रैक्टर दिखाऊंगा मैं आपको दोस्तों, ये है आपको इंडोफार्म का न्यू में है 3048 DI, सीमेस रिवर्स PTO के साथ में आता है। इसका जो न्यू लुक है न्यू में है, 2021 का मॉडल है। न्यू का प्राइस इसलिए बताने वाला हूँ क्योंकि किसान भाई कहीं भी लेने जाएंगे ट्रैक्टर्स नए में, तो ये जो 3048 DI है ये आपको यहाँ का प्राइस क्या है नागर और RTO के साथ में बताऊंगा। ये आपको 2021 का मॉडल है, 50 HP में आता है। ये जो प्राइस है आपको 6,80,000 में मिलने वाला है नागर RTO के साथ में। इसका जो हाइट देखें, कलर वाइज देखें, इसके टायर्स की साइज देखें, सबसे अलग ही दिखता है इसका। ये जो इंडोफार्म का देखें सामने इसका जो लोगो है ये सब बढ़िया दिखता है, साथ ही जोरदार इंडोफार्म करके है। ये एड्रेस मैं आपको बता दूं तो आपको जेवरा सिरसा धमदा, अगर आप दूर के से धमदा की ओर जाएंगे तो आपको ये बीच में ही जेवरा सिरसा में मिल जाएगा। शॉप का नाम है इंडोफार्म शर्मा एजेंसीज करके है। तो चलो नेक्स्ट ट्रैक्टर्स महिंद्रा का दिखाता हूँ दोस्तों। ये है आपको महिंद्रा का UO 415 DI। इसका जो अभी जो UO का जो ब्रांड है महिंद्रा का बहुत सक्सेस है, और ये मैं आपको बताने वाला हूँ, ये 2020 का मॉडल है। कंडीशंस टायर्स तो आपको देखना ही नहीं पड़ेगा, और ये आपको 2020 का मॉडल मिलने वाला है, 40 HP के साथ आता है। इसका रनिंग की बात करें कितना घंटा चला हुआ है तो ये आपको सिर्फ 600 घंटा सिर्फ चला हुआ है, और बाकी इसके कंडीशंस की मैं बात करूँ तो पूरा ओके, हुड वगैरह लगा के दिया जाएगा। मैं आपको स्क्रीन में भी थोड़ा थोड़ा बीच में दिखाने की कोशिश करूँगा। बाकी जो
जोंडियर का आपको बैटरी सामने आता है, इसका साइड में दिया जाता है महिंद्रा का। इसमें कुछ लेकिन महिंद्रा का बहुत सक्सेस ट्रैक्टर है, 600 घंटा चला हुआ है। ये आरटीओ नागर के साथ इसका जो प्राइस है 4,75,000 इसका प्राइस है। 2020 का मॉडल बताया मैंने, 40 HP का ट्रैक्टर है। चलो नेक्स्ट ट्रैक्टर बताऊंगा, सोनालिका DI-42। दोस्तों अब मैं आपको बताने वाला हूँ सोनालिका का DI-42 RX। ये आपको CM सीरीज वाला मॉडल है। ये सोनालिका का लुक देखें, ये आपको हाइट में दिखेगा, जोंडियर के लुक में ही दिखता है, कुछ ज़्यादा फर्क नहीं रहता इसमें का सामने का। ये साथ में न्यू हॉलैंड के लुक में भी दिखता है। ये आपको मैं बताने वाला हूँ 2018 का मॉडल है, लेकिन रजिस्ट्रेशन 2019 का रजिस्ट्रेशन में आएगा। ये आपको सिर्फ 1500 घंटा चला हुआ है। और HP की बात करें तो इसमें आपको देखना नहीं पड़ेगा, DI-42 है, 42 HP में आता है। इसका नागर और RTO के साथ जो मैं प्राइस बताऊंगा अभी, बाकी इसका कंडीशन वाइज देखिए, RX मॉडल है। इसमें बीच बीच में आपको इसका कंडीशन भी दिखाऊंगा। ये हुड वगैरह पूरा लगा के दिया जाएगा और एड्रेस मैंने आपको बता दिया, नंबर भी डिस्क्रिप्शन में शो होगा दोस्तों। और ये सोनालिका DI-42 का प्राइस मैं बताऊँ नांगर और RTO के साथ में आपको 4,60,000 में मिलने वाला है। 2018 मॉडल, 2019 का रजिस्ट्रेशन बताया। तो इसी तरह नेक्स्ट ट्रैक्टर्स की ओर लेकर चलते हैं आपको, ये वाली है जोंडियर दिखाते हैं। किसान भाइयों अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ जोंडियर का है, सेम जो मैंने अंदर आपको बताया फर्स्ट में, 50-45 DI। ये सेम वही मॉडल है, 2018 का मॉडल है। ये आपको 45 HP में आता है। रनिंग के कितने घंटा चला हुआ है तो ये आपको 800 घंटा चला हुआ है। बाकी हुड वगैरह लगा दिया जाएगा, टायर्स की कंडीशन बेस्ट हैं, देखना नहीं पड़ेगा। लुक वाइज में आपको कैसे कहाँ कुछ स्क्रैच है कि नहीं, आपको मैं बीच बीच में दिखाने वाला हूँ। और हुड वगैरह पूरा लगा के दिया जाएगा। और इसका जो नागर और साथ में RTO का जो प्राइस है, 5,25,000 में ये मिल जाएगा। 800 घंटा चला हुआ है, 45 HP में है। और ये जो साथ में इसका जो मैं सबसे बेस्ट ये लगता है कि जोंडियर ये इसलिए देता है ताकि आपको ये इंजन गर्म हो तो आपका पैर न जले, इंजन का जो गर्म भाप आता है ये सब रोकने के लिए दिया हुआ है। बैटरी की बात करें तो आपको ये सेफ बैटरी के साथ आ जाता है, चोरी होने की संभावना नहीं रहता है। तो चलो नेक्स्ट ट्रैक्टर और दिखाएंगे आपको, सोनालिका है, जोंडियर और है। दोस्तों मैंने आपको इसके पहले दिखाया था जो है जोंडियर का, ZD का है अपना 50-45, लेकिन ये जो ट्रैक्टर्स है ये 50-45 D, ये फोर व्हील ड्राइव दिखाने वाला हूँ, जो वैल्यू प्लस 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 करके। और इसका जो प्लस पॉइंट भी बता दूँ तो ये आपको ये जो भाप वाला बता, और ये बैटरी आपको सेफ रखने के लिए है, सामने बैटरी जो दिया रहता है, फोर व्हील ड्राइव है, 13/6 इसका पीछे का टायर आता है, सामने के टायर जो हैं 8/18 के आते हैं। और ये 53/10 भी मैं बताने वाला हूँ, तो थोड़ा और वेट करना होगा किसान भाइयों आपको, वो भी ट्रैक्टर्स का पारी आने वाला है, उसका भी मैं वीडियो बनाने वाला हूँ आगे जस्ते है इसी में। तो ये आपको 2018 का मॉडल है, इसका HP बढ़ जाता है, 48 HP में आता है। और इसका जो घंटा कितना चला हुआ है तो बताऊँ तो ये आपको 1300 से 1400 घंटा सिर्फ चला हुआ है इसका। बाकी जो प्राइस है 5,45,000 है नागर और RTO के साथ जो प्राइस है ये। इसका हुड वगैरह सब कंप्लीट करके दिया जाएगा। और इसका जो बीच का कंडीशंस है, कैसा कहाँ का स्क्रैच है कि नहीं है टायर्स के, ये पूरा वीडियो में भी दिखाऊंगा। तो चलो आगे एक और जोंडियर का ट्रैक्टर है वो भी दिखाते हैं किसान भाइयों। अब जो ट्रैक्टर्स दिखाने वाला हूँ आपने सामने ही देखा होगा, जोंडियर 5105। इसका भी डिमांड बहुत ज्यादा है, जैसे 53/10 का है वैसे ये ट्रैक्टर्स है। जोंडियर का 2019 का मॉडल है, 42 HP के साथ में आएगा। और इसका मैं पासिंग भी बता देता हूँ, ये पासिंग आपको लोकल CG07 अपने यही दुर्ग जिला का ही है, लोकल CG07 में आता है। और इसका मैं प्राइस भी बताऊंगा आपको, पहले तो इसके कंडीशंस टायर्स के देखें, बाकी हुड वगैरह पूरा कंप्लीट करके आएगा। जोंडियर का बहुत डिमांड रहता है, बहुत कमेंट भी आ रहा था कि आप जोंडियर का ट्रैक्टर दिखाइए किसान भाइयों। इसका जो प्राइस होने वाला है आपको नागर और RTO के साथ में रहेगा, RTO नागर में इसमें प्लस मिल रहा है नागर। इसका जो प्राइस है 5,10,000 में मिलेगा जोंडियर का 5105। इसके बाद मैं आपको एक और जोंडियर दिखाऊंगा, तो चलो वो ट्रैक्टर दिखाते हैं किसान भाइयों। अब ये जो ट्रैक्टर दिखाने वाले, टायर्स की कंडीशंस देखिए, एकदम लाजवाब न्यू कंडीशंस में टायर्स है इसका। ये आपको जोंडियर का 50-36D मॉडल है, ये आपको 2018 का मॉडल मिलने वाला है। और इस 38 HP में आता है। और इसका जो रनिंग
कितना घंटा चला हुआ है, तो ये आपको सिर्फ 900 घंटा चला हुआ है, डायरेक्ट आ गया था। भैया ने बताया कि ये ज़्यादा नहीं चला हुआ है, और इसका जो प्राइस है नांगर और RTO प्लस करके है, ये साथ में आपको 410,000 में इसका प्राइस है। जो प्राइस मैंने बताया सब नेगोशिएबल प्राइस है, ऐसा नहीं कि एकदम फिक्स प्राइस है। बाकी हुड वगैरह पूरा कंप्लीट करके दिया जाएगा, और इसका पासिंग भी लोकल रहेगा, अपना दुर्ग लोकल पासिंग चल रहा है, यहीं का ज़्यादातर दुर्ग से रायपुर यहीं सब का पासिंग रहता है, और वैसे ट्रैक्टरों में पासिंग नहीं देखा जाता है, इशू नहीं रहता है। इसके बाद नेक्स्ट दिखाऊंगा आपको न्यू हॉलैंड का। हेलो किसान भाइयों, अब मैं आपको जो ट्रैक्टर्स दिखाने वाला हूँ, ये है न्यू हॉलैंड का 35,000। इसका डिमांड हर जगह ये ट्रैक्टर्स नहीं देखने को मिलता, क्योंकि ये ट्रैक्टर्स का डिमांड बहुत ज़्यादा रहता है और जल्दी से जल्दी सेलिंग हो जाता है। तो इसका जो मॉडल होने वाला है 2018 का मॉडल है, ये आपको 38 HP में आता है, और ये बाकी इसका रनिंग की बात करें तो सिर्फ 800 घंटा चला हुआ है। कंडीशंस देखिए, ये आपको बीच बीच में थोड़ा मुझे दिखाने का कोशिश करूँगा। ये आपको जो प्राइस है नांगर और साथ में RTO प्लस है, ये आपको 330,000 में अवेलेबल हो जाएगा। बाकी कंडीशंस एकदम बेस्ट रहता है, यहाँ का कोई शिकायत का मौका नहीं मिलेगा आपको। बाकी ये छत्तीसगढ़ वालों के लिए फाइनेंस वगैरह की सुविधा है, अदर जो है वहाँ के लिए फाइनेंस नहीं होगा, कैश ले जा सकते हैं। तो आपको अब नेक्स्ट जो आपको पारी आने वाला है जॉन डियर 5310, तो जॉन डियर 5310 की ओर लेके चलता हूँ। चलिए, किसान भाइयों, अब मैं आपको जॉन डियर का दिखाने वाला हूँ, ये है 5310। इसका डिमांड बहुत ज्यादा है, और ये आपको 55 HP के साथ आता है। आखिर खासियत क्या है, ये आपको खुद को पता है, किसान भाइयों को ज्यादा था, क्योंकि ये 5310 का जो डिमांड है बहुत ही ज्यादा है। ये लास्ट में इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि मैं आपको सरप्राइज करने वाला था कि आखिर ये किस कंडीशंस में है। तो ये आपको 2018 का मॉडल है, 55 HP में आता है, और रनिंग की बात करें कितना घंटा चला हुआ है, तो ये आपको सिर्फ 2,200 घंटा चला हुआ है। कंडीशन बेस्ट है, थोड़ा बहुत धूल लगी हुई है, बाकी हुड वगैरह पूरा लगा के दिया जाएगा। इसका जो ये दुर्ग का पासिंग और इसका जो प्राइस है नॉर्मल नागर और RTO प्लस करके है 6,30,000 में आपको दे दिया जाएगा। 18 मॉडल है, इसका डिमांड के हिसाब से रेट भी वैसे रखते हैं आजकल, कहीं भी जाइए डीलर के हिसाब से। तो लगभग आपको यही ट्रैक्टर्स दिखाना था, इसका भी सभी का प्राइस हो गया है, आपको नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।